कक्षा 6 में आज हम चट्टान और खनिज पदार्थ चैप्टर के रिवीजन और क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आइए हम चट्टान चैप्टर का रिवीजन करते हैं। पीली चट्टान कहाँ बनती है? उत्तर, पानी के नीचे। जब नदी, झील, समुद्र आदि के नीचे मिट्टी जमा होती है, तब धीरे धीरे यह मिट्टी की परत मिट्टी के नीचे चली जाती है। मिट्टी के नीचे गर्मी तथा दबाव से लाखों सालों में वही मिट्टी पीली चट्टान बनती है। पीली चट्टान के कुछ उदाहरण सैल पत्थर, चूना पत्थर इत्यादि। चट्टान का एक उदाहरण बताओ। उत्तर, मार्बल। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप ही मार्बल कहलाता है। लोहा का एक अयस्क बताओ। लोहा का अयस्क हेमेटाइट होता है। जिस खनिज से धातुओं को आसानी से अलग किया जा सकता है उसे उस धातु का अयस्क कहते हैं। विलुप्त प्राणी के पैरों की छाप क्या कहलाती है? उत्तर, फॉसिल्स। हमारी पृथ्वी पर करोड़ों वर्षों में बहुत प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। एक समय ऐसा था जब पहले जो जीव जंतु पाए जाते थे धरती पर वे अभी नहीं पाए जाते हैं। उन्हीं के जो मरे हुए अवशेष थे वे पत्थर के रूप में धरती के नीचे से पाए जाते थे। इन्हें ही हम फॉसिल्स कहते हैं। प्राकृतिक गैस के मुख्य उपादान क्या है? उत्तर, मीथेन। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम से निकलने वाले कुओं से प्राप्त किए जाते हैं। अधिक दबाव पर प्राकृतिक गैसों को सिलेंडर में भरकर ईंधन के काम में लाया जाता है। CNG का इस्तेमाल गाड़ी के फ्यूल के रूप में भी उपयोग किया जाता है। परिवर्तित चट्टान को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान किसे कहते हैं? पीली चट्टाने तथा ज्वालामुखी चट्टाने मिट्टी की दबाव तथा ताप के कारण परिवर्तित हो जाती हैं। इसे ही हम परिवर्तित चट्टान कहते हैं। हमारी धरती का अधिकांश हिस्सा रूपांतरित तथा आग्नेय चट्टानों से बना है। जैसे ग्रेनाइट का रूपांतरित चट्टान क्या हो कहलाएगा? नीस। चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान मार्बल आदि। पृथ्वी के भीतर तरल अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्तर, मैग्मा। धरती की गहराई का दबाव तथा ताप अधिक होने के कारण पत्थर तथा ठोस पदार्थ तरल अवस्था में पाए जाते हैं। इसे ही हम मैग्मा कहते हैं। सेल परिवर्तित होकर किसका निर्माण करते हैं? उत्तर, स्लेट। स्लेट सेल का रूपांतरित रूप होता है और स्लेट एक प्रकार का रूपांतरित चट्टान है। ब्रॉन्ज के एक उपादान का नाम बताइए। उत्तर, टीन तथा तांबा। पत्थर का निर्माण किससे होता है? पत्थर का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से होता है। धातु का निष्कासन क्या कहलाता है? उत्तर, अयस्क। अस्म का क्या अर्थ होता है? उत्तर, पत्थर। जीवाश्म में जीव का अर्थ प्राणी और अस्म का अर्थ पत्थर होता है। इस तरह से
जीवाश्म का मूल तात्पर्य यह है कि प्राणियों के जो अवशेष पत्थर के रूप में धरती के नीचे पाए जाते हैं उसे ही हम जीवाश्म कहते हैं। मैग्मा के चट्टानों के दरारों से बाहर निकलने को क्या कहते हैं? उत्तर, लावा। मैग्मा जब किसी पत्थर की दरार या पहाड़ के मुंह से बाहर आ जाती है तो उसे हम लावा कहते हैं। अधिक जले हुए पत्थर को क्या कहते हैं? उत्तर, पिडमिस। ज्वालामुखी चट्टान मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, बेसाल्ट, ग्रेनाइट और पिडमिस। पिडमिस अधिक जला हुआ पत्थर होता है। गर्म मैग्मा के ऊपर झाग की तरह तुरंत जमकर पिडमिस बनता है। तरल मैग्मा में द्रवीभूत गैस के बाहर निकलने के कारण पिडमिस में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। मिट्टी की गहराई में जाने पर क्या परिवर्तन होता है? मिट्टी की गहराई में जाने पर ताप तथा दबाव बढ़ता है। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक प्रकार का तरल मिश्रण होता है। इसे हम ईंधन के रूप में सीधे व्यवहार में नहीं लाते हैं। सबसे पहले इसमें मिश्रित जो अशुद्धियाँ होती हैं जैसे जल, मिट्टी आदि, इसे हम बाहर निकाल करके ही पेट्रोलियम को ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम को भंजक आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। पेट्रोलियम का उपयोग हम लुब्रिकेंट बनाने में, प्लास्टिक बनाने में तथा रंग बनाने में करते हैं। यह एक प्रकार का ज्वलन पदार्थ है। रसोई घरों में ज्वलन के रूप में उपयोग किया जाता है। उत्तर, LPG। LPG का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। हिंदी में इसे हम तरल प्राकृतिक गैस कहते हैं। इसके मुख्य उपादान को हम प्रोपेन कहते हैं। वाहनों में किसके प्रयोग से कम प्रदूषण होता है? वाहनों में CNG के प्रयोग से कम प्रदूषण होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा।